हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। इसको जो है वन शॉट में कंप्लीट करेंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिए और सारे कॉन्सेप्ट को सीखते रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि हम जो है इन एलिमेंट को जो है क्लासीफाई कर क्यों रहे, हम इनको अरेंज क्यों कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब पाने के लिए जो है सबसे पहले जो एक केस की तरफ एक केस लेते हैं। मीन्स ये जो है एक मेडिकल स्टोर का मैंने पिक्चर लगाया है, और आपने जरूर देखा होगा कि मेडिकल स्टोर पे जो सामान रखी हुई रहती है, वो एक क्या होता है, एक पर्टिकुलर वे में जो है चीज़ों को जो है रखा जाता है ना। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ रैंडमली कहीं भी रखी हुई है, नहीं, एक स्पेसिफिक मैनर में रखा जाता है, एक पर्टिकुलर मैनर में रखा जाता है ना। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो हॉर्लिक्स का डब्बा यहाँ पर रखा हुआ है ना। तो अगर हॉर्लिक्स का डब्बा यहाँ, तो वो सिर्फ यहीं पर है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ही रख दिया, कुछ कुछ यहाँ पर भी रख दिया, कुछ यहाँ पर रख दिया, नहीं, एक ही जगह में, एक ही कॉलम में जो है इस हॉर्लिक्स के डब्बे को रखा गया। उसी तरीके से देखिए, च्यवनप्राश का डब्बा है तो वो सिर्फ यहीं रखा हुआ है। ग्लूकोज का डब्बा देखो तो वो सिर्फ यहीं रखा हुआ है। यहाँ डिटॉल देख लो, है ना, या यहाँ पर इनो देख लो, है ना, या फिर आप यहाँ पर कुछ दवाइयाँ देखो, तो हर एक पर्टिकुलर चीज़ की जो दवाइयाँ हैं एक पर्टिकुलर कॉलम में रखी हुई है ना। तो इससे फायदा क्या होता है, मान लीजिए कि एक यहाँ से जो कस्टमर आता है इस शॉप पर और बोलता है कि मेरे को जो है हॉर्लिक्स का डब्बा चाहिए, तो दुकान वाले भैया जाएंगे, नहीं, यहाँ से जो है हॉर्लिक्स का डब्बा निकालेंगे और इस कस्टमर को दे देंगे। अब दूसरा केस लीजिए, दूसरे दिन वही कस्टमर आया, बट यहाँ पर जो सामान जो रखी हुई है वो रैंडम तरीके से रखी हुई है, मतलब कोई भी चीज़ कहीं भी रखी हुई है। ठीक है, अब वो आया कस्टमर और बोलता है कि मुझे हॉर्लिक्स का डब्बा दीजिए। अब क्योंकि मुझे पता तो है नहीं कि हॉर्लिक्स कहाँ रखा हुआ है, तो वो क्या करेगा, ढूंढने लगेगा, इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, इस तरीके से ढूंढने लगेगा, दुकान वाले भैया ढूंढने लगेंगे, तो उनको जो है सामान सही से मिल नहीं पाएगा। तो इससे हमने सीखा क्या, इससे हम ये सीख सकते हैं कि अगर चीज़ें जो है रैंडम तरीके से रखी रहेगी, तो हम चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, है ना, हम चीज़ों को जो है अच्छे से जो है स्टडी नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो इस वजह से जो है हम क्या करते हैं कि चीज़ों को जो है अरेंज करके रखते हैं, एक स्पेसिफिक मैनर में, एक पर्टिकुलर मैनर में जो है हम चीज़ों को रखते हैं। अगर कोई चीज़ यहाँ पर है तो इस चीज़ को हमने यहाँ रख दिया, ये चीज़ यहाँ तो इसको यहाँ रख दिया, इस तरीके से। जैसे कि यहाँ पर है और हॉर्लिक्स का डब्बा है तो वो सिर्फ यहीं रखा हुआ है ना। ये च्यवनप्राश का डब्बा है तो वो सिर्फ यहीं पर रखा हुआ है, और क्या है यहाँ पर, इस तरीके से ग्लूकोज का डब्बा वगैरह सब एक पर्टिकुलर कॉलम में पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जो है रखा हुआ है ना। तो इससे हमें फायदा यह होता है कि हमें जो चीज़ों को जो है समझने में, हमें निकालने में, डालने में, इन सब को करने में, कस्टमर को देने में इजली होता है। उसी तरीके से जो है हमारा जो है एलिमेंट होती है। एलिमेंट में क्या होता है कि एलिमेंट जो होते हैं पीरियोडिक टेबल में, वो एक पर्टिकुलर कॉलम पीरियड में जो है डाले हुए रहते हैं। इससे क्या होता है कि एलिमेंट जो है एक ग्रुप में हम देखते हैं, मान लो कि ये ग्रुप है, इस ग्रुप में देखते हैं कि ये ग्रुप में, तो इस ग्रुप के सारे एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज सभी क्या होती है, बराबर होती है। तो इस तरीके से जो है हम एलिमेंट की जो है स्टडी बड़ी इजीली कर सकते हैं, हम सारे एलिमेंट को जो है कम टाइम पे जो है अच्छे तरीके से जो है हम समझ सकते हैं। इसलिए जो हमें जो है एलिमेंट की क्लासिफिकेशन की जरूरत है। ठीक है, इससे क्या होगा, साइंटिस्ट जो है कम टाइम में जो अपना जो है एलिमेंट की जो है स्टडी जो बड़ी इजीली तरीके से कर लेंगे। स्कूल कॉलेजेस में जो है अगर स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, तो वो अगर एक पर्टिकुलर वे में अगर एलिमेंट अरेंज होंगी, तो तभी तो हम जो है उनकी स्टडी जो है बहुत अच्छे से कर पाएंगे। हमें जो टीचर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, और फिर स्टूडेंट जो है उसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, है ना। तो इस तरीके से जो है एलिमेंट की जो क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को समझना, क्योंकि आज के डेट में जो है 118 एलिमेंट जो है डिस्कवर हो चुके हैं। अब 118 एलिमेंट को जो है अलग अलग पढ़ना तो पॉसिबल है नहीं, तो हम क्या कर देते हैं कि एलिमेंट को अरेंज कर देते हैं ग्रुप्स में। इससे क्या होता है कि एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी पढ़ ली, बाकी की प्रॉपर्टी उनके जैसी ही हो जाती है ना। तो इसलिए जो है
हम एलिमेंट की क्लासिफिकेशन करते हैं। समझ में आया? तो चलिए अब एलिमेंट की क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि देयर आर 118 एलिमेंट नॉन प्रेजेंट। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल दीज एलिमेंट सेपरेटली, है ना। हम अलग अलग इन एलिमेंट्स को जो 118 एलिमेंट्स को जो है अलग अलग करके जो हम पढ़ नहीं सकते, इसलिए जो है हमने क्या कर दिया है, एलिमेंट को जो है क्लासिफाई कर दिया है किसमें, इनटू ग्रुप्स। इससे क्या होगा कि एलिमेंट ग्रुप्स में जो एलिमेंट आते हैं उन सबकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, सिमिलर होती है, इसलिए जो हम एलिमेंट की क्लासिफिकेशन करते हैं। अब देखते हैं कि एलिमेंट की क्लासिफिकेशन में जो है कौन कौन से साइंटिस्ट आए, है ना। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन के लिए आगे आए वो है जॉन डोबेरनियर, है ना। फिर आए जॉन न्यूलैंड, फिर आए दमित्री मेंडलीव्स, फिर आए हेनरी मोसले, फिर उसके बाद आए नेल बोर। यानी ये नेल बोर ने जो है बेसिकली इस एलिमेंट एलिमेंट को जो है इस तरीके से जो है ये चार्ट बनाने में जो है इनकी हेल्प करी, इन्होंने ही जो है ये चार्ट को जो है प्रिपेयर किया है, नेल्स बोर ने। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, जॉन जॉन डोबेरनियर, जॉन डोबेरनियर ने जो है डोबेरनियर ट्रेड्स दिया था, जो कि 1929 में दिया था, 1929 में दिया था। और इस डोबेरनियर ट्रेड्स के अकॉर्डिंग जॉन डोबेरनियर क्या कहते हैं, द अरेंजमेंट द सॉरी व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स। अगर हम एलिमेंट्स को जो है थ्री एलिमेंट के ग्रुप में अरेंज करें, और उसको किस तरीके से अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो क्या होता है, प्रॉपर्टी जो है सिमिलर होती है एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, सिमिलर होती है। देखिए एक बार और समझ लीजिए, अगर हम एलिमेंट्स को जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अगर हम एलिमेंट को अरेंज करते हैं इन अ ग्रुप, तो उन सारी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है, केमिकल प्रॉपर्टी होती है, वो सिमिलर होती है। और एक दूसरी बात एक और कहते हैं कि जो एटॉमिक मास होता है मिडल एलिमेंट का, वो फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट के अरिथमेटिक मीन के बराबर होती है। ठीक है, देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझने की कोशिश करते हैं। इन्होंने जो सबसे पहला ट्रेड जो है यही वाला दिया था, इनमें क्या क्या था, लिथियम सोडियम पोटेशियम, तीन ट्रेड ये पहला ट्रेड दिया था। इसमें तीन एलिमेंट जो है इस तरीके से जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्होंने अरेंज कर दिया था। इससे क्या हुआ कि इनमें जो इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है, मीन्स लिथियम सोडियम पोटेशियम जो है, इनकी जो है प्रॉपर्टी जो है सेम होती है। मीन्स ये सभी के सभी क्या है, मेटल्स है। ये सभी के सभी जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके जो है अल्कली एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, और इनकी सभी की जो है वैलेंसी जो है वन होती है। अब ये वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी का मतलब होता है कि किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करने पड़ेंगे उसे ही हम कहते हैं वैलेंसी। ठीक है, तो इनकी क्या होती है, वैलेंसी वन होती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है उन सबकी प्रॉपर्टी जो है यही है ना। तो वही तो यहाँ पर जॉन डोबेरनियर कहना चाहते थे कि अगर हम एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सिमिलर होती है। और एक और ये वाली बात कि मिडल वाला एलिमेंट मीन सोडियम का जो एटॉमिक मास होगा वो फर्स्ट एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का एटॉमिक मास जो होगा उसके मीन के बराबर होगा, अरिथमेटिक मीन के बराबर होगा। जरा इसको समझते हैं थोड़ा और डिटेल में। देखिए एटॉमिक मास ऑफ लिथियम कितना होता है, 7। एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम कितना होता है, 39। अब अगर मैं निकालू अरिथमेटिक मीन निकालू लिथियम एंड पोटेशियम के एटॉमिक मास का, तो क्या होगा, ये 7 प्लस 39 डिवाइड बाई 2, ये क्या हो गया, 46 डिवाइड बाई 2 विच इज 23। और एक्चुअल जो होता है एटॉमिक मास सोडियम का वो 23 ही होता है। तो इस तरीके से हम जो है मिडल एलिमेंट का जो है एटॉमिक मास फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये डोबेरनियर यही कहना चाहते थे, जॉन डोबेरनियर यही कहना चाहते थे कि अगर हम एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो उन
एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सिमिलर होती है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि मिडल वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है वो फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट के का जो एटॉमिक मास होगा उनके मीन के बराबर होगा। ठीक है, तो ये था पूरा जॉन डोवर्नियर के बारे में। अच्छा, उन्होंने दूसरा ट्रेड ये दिया था जिसमें जो है कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम एलिमेंट थे, है ना। और इसका एटॉमिक मास 40, इसका ना एटॉमिक मास 88 और इसका एटॉमिक मास 137 होता है। ठीक है, और इस केस में भी जब हम पहले और तीसरे का अरिथमेटिक मीन लेते हैं तो ये लगभग लगभग जो है 88 के बराबर ही आता है। तो ये 88 के बराबर नहीं आता, ये आता है 88.5, मीन्स अप्रोक्सीमेटली 88 ही, है ना। तो इस तरीके से जो है सेकेंड एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है वो फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास के मीन के बराबर होता है। ठीक है, तो इन्होंने दिया था। और इनके अगर केमिकल प्रॉपर्टीज देखें तो ये सारे क्या हैं, मेटल्स हैं। इनके ऑक्साइड जो है वो क्या है, बेसिक नेचर के होते हैं, और इनकी वैलेंसी कितनी होती है, 2। तो ये हो गया दूसरा ट्रेड डोबर्नियर का। और इन्होंने एक तीसरा ट्रेड दिया था क्लोरिन, ब्रोमिन एंड आयोडीन का, है ना। देखिए, क्लोरिन का एटॉमिक मास 35.5, ब्रोमीन का 80 एंड आयोडीन का 127, है ना। पहले और तीसरे का अगर हम एटॉमिक मास पहले और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास का मीन निकाले तो वो अप्रोक्सीमेटली, नॉट इक्वल टू, अप्रोक्सीमेटली मैं कह रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली जो है 80 के आसपास ही आता है। ठीक है, और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये सारे के सारे नॉन मेटल है, और ये जो है वाटर के साथ रिएक्शन करके जो है एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, और इनकी वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो ये हो गया पूरा का पूरा डोबेरनियर ट्रेड्स के बारे में। ठीक है, अब इनकी लिमिटेशंस के ऊपर आते हैं कि इनका क्या लिमिटेशन है। लिमिटेशन पहले एक बार पढ़ लेते हैं। फेल्ड टू अरेंज ऑल ऑल देन नॉन एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड्स ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, डोबेरनियर कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्रेड्स, है ना। अभी अभी हमने तीनों के तीनों ट्रेड्स को देखा, फ्रॉम द एलिमेंट्स नॉन डेट टाइम, सो दिस क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वॉज नॉट मच सक्सेसफुल। ठीक है, तो ये जो डोबेरनियर जो सबसे पहले क्लासिफिकेशन के लिए आए एलिमेंट का, ये जो है पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि इनके टाइम पर जो है लगभग 35 एलिमेंट जो है डिस्कवर हो गए थे, बट उनमें से जो है सिर्फ इन्होंने 3 ट्रेड्स ही जो है फॉर्म कर पाए। इस वजह से जो है बाकी एलिमेंट तो वैसे ही रह गए, है ना। तो इस वजह से जो है इनका जो है क्लासिफिकेशन जो है फेल हो गया। तो आगे बढ़ते हैं, आगे कौन आए, आगे आए न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। फिर अगला जो है डोबर्नियर के बाद कौन आए, न्यूलैंड्स है, उन्होंने जो है लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया। ये क्या है जरा देख लेते हैं। वेन एलिमेंट आर अरेंज इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, द प्रॉपर्टीज ऑफ 8th एलिमेंट इज सिमिलर इन प्रॉपर्टीज टू द फर्स्ट एलिमेंट। ये क्या कह रहे हैं कि देखिए, सबसे पहले जो एलिमेंट को जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, और जो फर्स्ट एलिमेंट 8th एलिमेंट होगा वो फर्स्ट एलिमेंट जो 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी वो फर्स्ट एलिमेंट के प्रॉपर्टीज के सिमिलर होगी। ये इनका लॉ है। ठीक है, और इन्होंने जो है ये लॉ कैसे दिया, दिस और इन्होंने इस लॉ को जो है कंपेयर किसके साथ किया, ऑक्टेव फाउंड इन द म्यूजिक, है ना। जैसे कि क्या बोलते हैं, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में जो है जैसे पाया जाता है ना, नोट्स पाए जाते हैं, सा रे गा मा पा दा नी सा, है ना। 7 के बाद 8वां, जो मतलब पहला 8वां जो है वो पहले से सिमिलर हो गया। देखिए, सा रे गा मा पा दा नी सा, 8वां आ गया ना, तो 8वां जो है पहले से सिमिलर हो गया। तो इस तरीके से जो है इन्होंने जो है म्यूजिक से कनेक्ट कर दिया था। ठीक, और यहाँ पर इसके बारे में लिख भी दिया है कि इंडियन सिस्टम ऑफ म्यूजिक देयर आर सेवरल नोट्स, है ना, म्यूजिकल नोट्स पाए जाते हैं जैसे सा रे गा मा पा दा नी सा, है ना। इनका जो है म्यूजिक कंपोज करने में जो है यूज किया जाता है, इसके बारे में है। ठीक है, पढ़ लेना, आगे देखते हैं। इसको जरा
एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, अगर मैं इस एलिमेंट को फर्स्ट मान के चलता हूँ, मतलब लिथियम को फर्स्ट मान के चलता हूँ, तो इससे आठवां जो एलिमेंट आएगा वो इससे के प्रॉपर्टी से जो है सिमिलर होगा। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो आठवां कौन आया? ये मीन्स लिथियम की जो प्रॉपर्टी होगी वो सोडियम के प्रॉपर्टी से सिमिलर होगी। ठीक है, ये इनका जो है लॉ कहता है। आप कोई सा उठा लीजिए, आप मान लीजिए कि बेरिलियम ले लीजिए, तो बेरिलियम से आठवां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, तो आठवां एलिमेंट ही है। मीन्स बेरिलियम का जो प्रॉपर्टी होगा वो मैग्नीशियम के बराबर होगा। ठीक है, या मान लीजिए आप सोडियम से स्टार्ट करना चाहते हैं, सोडियम को एज ए फर्स्ट एलिमेंट आप चुन लिए, तो इससे जो आठवां एलिमेंट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, तो आठवां एलिमेंट ये हो गया। मीन्स सोडियम की प्रॉपर्टी जो होगा वो पोटेशियम के प्रॉपर्टी से सिमिलर होगा, और यही जो है लॉ ऑफ ऑक्टेव कहलाता है। ठीक है, देखिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। देखिए, ये जो एलिमेंट अरेंज है वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किए गए हैं ना। और देखिए, अब द प्रॉपर्टीज ऑफ एट्थ एलिमेंट, आठवें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी वो सिमिलर होगा टू द फर्स्ट एलिमेंट, है ना। आठवें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी वो फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर होगी, है ना। तो ये है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट्स। आई होप समझ में आया होगा, और इसमें जो है मैंने यही चीज को जो है समझाया है। अब आते हैं लिमिटेशंस, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव कि जो है लिमिटेशंस क्या है उनके बारे में देख लेते हैं। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव वॉज एप्लीकेबल टू क्लासीफाई एलिमेंट्स अप टू कैल्शियम ओनली। मीन्स देखिए, इस एग्जाम्पल पर फिर आइए, ये जो लॉ ऑफ ऑक्टेव है वो सिर्फ कैल्शियम तक ही वैलिड है। मीन्स अगर हम यहाँ से अगर बात करें, मान लीजिए क्रोमियम को एज ए फर्स्ट एलिमेंट ले और इससे आठवां एलिमेंट अगर देखें, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, तो आठवां ये आ गया। और ये जो क्रोमियम की जो प्रॉपर्टी है वो ये टर्बियम, ये वाइस ये टर्बियम होता है, ये टर्बियम से सिमिलर नहीं होती है ना। तो ये यही इनकी जो लिमिटेशन है कि ये जो इनका लॉ है वो सिर्फ यहीं तक वैलिड है, इसके आगे वैलिड है ही नहीं, है ना। जैसे कि अगर हम बात करें सिलिकॉन को एज ए फर्स्ट एलिमेंट ले, तो इससे आठवां एलिमेंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना। तो सिलिकॉन की प्रॉपर्टी जो है टाइटेनियम से बिल्कुल भी मैच नहीं खाती। सिलिकॉन एक नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है, टाइटेनियम एक मेटल्स के कैटेगरी में आता है, ट्रांजिशन मेटल है ये, ये दोनों की प्रॉपर्टी अलग है ना। तो यही इनकी पहली लिमिटेशन है कि इनकी जो लॉ ऑफ ऑक्टिव है वो सिर्फ कैल्शियम तक ही वैलिड है। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखते हैं। न्यूलैंड्स एज्यूम डेट ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्ट इन द नेचर एंड नो मोर एलिमेंट वुड बी डिस्कवर इन द फ्यूचर। इन्होंने क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं कि इस दुनिया में जो है सिर्फ 56 एलिमेंट ही एग्जिस्ट करते हैं, इससे ज्यादा एलिमेंट एग्जिस्ट करते ही नहीं है। बट रियलिटी में क्या हुआ कि एलिमेंट जो है डिस्कवर होते गए, और आज के डेट में जो है 118 एलिमेंट डिस्कवर हो गए, और ये तो कह रहे थे कि सिर्फ 56 एलिमेंट ही डिस्कवर होंगे, इससे ज्यादा एलिमेंट जो है एग्जिस्ट ही नहीं करता नेचर में, पर करता तो है। आज 118 एलिमेंट हम देखते तो हैं पीरियोडिक टेबल में, तो इनका दूसरा स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। इन ऑर्डर टू फिट द एलिमेंट इन टू हिज टेबल, न्यूलैंड्स पुट इवन टू एलिमेंट्स टूगेदर इन वन स्लॉट एंड दैट टू इन द कॉलम ऑफ अनलाइक एलिमेंट हैविंग वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टीज। देखिए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है कुछ एलिमेंट को जो है एक साथ ग्रुप में डाल दिया। जैसे देखिए, क्रोमियम एंड निकल एक साथ डाल दिया इन्होंने, है ना, जबकि इनकी प्रॉपर्टी जो है सिमिलर नहीं होती। सेजियम एंड लेंथेनियम है ना, इनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं होती, पर इन्होंने जो है एक ग्रुप में डाल दिया, तो ये इनकी लिमिटेशन हो गई। भाई, एक ग्रुप में डाला है, इसका मतलब ये होना चाहिए ना कि इनकी एलिमेंट प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए, पर इनकी प्रॉपर्टी सेम थोड़ी होती है। अब सेम नहीं होती तो इनको एक ग्रुप में डाल क्यों दिया, तो ये इनकी लिमिटेशन होगी।
आगे देखते हैं, आगे क्या है। आयरन एलिमेंट विच इज रिजेंबल कोबाल्ट निकल एलिमेंट इन प्रॉपर्टीज वॉज प्लेस्ड फार अवे फ्रॉम दिस एलिमेंट। देखिए इनकी एक और लिमिटेशन क्या है, जरा एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ये जो आयरन की जो प्रॉपर्टी है, ये Fe आयरन की जो प्रॉपर्टी है, वो रिजेंबल करती है कोबाल्ट एंड निकल से। मीन्स आयरन को जो है कहीं इधर होना चाहिए, पर इन्होंने जो है आयरन को एकदम उधर कर दिया है ना, बिल्कुल साइड ही कर दिया। जबकि इनकी प्रॉपर्टीज अगर इनसे मिलता है तो इनकी तरफ होना चाहिए ना, पर ये तो ये बिल्कुल ही साइड कर दिया, तो इनकी ये भी एक लिमिटेशन है। तो ये हो गई इनकी लिमिटेशंस। तो चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। देखिए आगे जो है मेंडलीव पीरियोडिक लॉ है, और मेंडलीव का लॉ पढ़ने से पहले जो आपको जो कुछ बेसिक चीजें समझ में आएगी, तभी उनका जो है लॉ समझ में आएगा। तो सबसे पहले जो उनके उनकी जो है बेसिक्स को पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल क्या होता है। द पीरियोडिक टेबल इज ए चार्ट ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का चार्ट होता है ना, इन सच अ वे द एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज अकर इन द सेम वर्टिकल कॉलम और ग्रुप, है ना। देखिए क्या कह रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल क्या होता है। पीरियोडिक टेबल जो होता है, एक एलिमेंट एलिमेंट का चार्ट होता है, एलिमेंट का चार्ट होता है जिसमें जो एलिमेंट जो है ग्रुप में इस तरीके से जो है अरेंज होते हैं। और ये जो ग्रुप में जो है हॉरिजॉन्टल कॉलम कह रहे हैं, हॉरिजॉन्टल कॉलम में जो है एलिमेंट अरेंज होते हैं। और ये जो कॉलम में मीन्स जिसे हम ग्रुप कहते हैं, ग्रुप में जो एलिमेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है ना। तो ये होता है पीरियोडिक टेबल। अब आगे देखते हैं कि कॉलम ग्रुप होता क्या है। ग्रुप क्या होता है, तो वर्टिकल कॉलम को जो है वर्टिकल कॉलम मीन्स ऐसे इस तरीके जो कॉलम है उन्हीं को हम ग्रुप कहते हैं, है ना। पीरियड क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रो मीन्स इस तरीके का जो ये रो है ना, इस तरीके का ये है ना, इस तरीके का ये, इसी को हम कहते हैं पीरियड्स। यहाँ लिखा भी है द पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल रो कॉल्ड पीरियड्स एंड वर्टिकल कॉलम, ये वाला ग्रुप है ना। तो इसे हम ग्रुप कहते हैं और इसे हम पीरियड्स कहते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन हैव आर वेरी केमिकली वेरी रिएक्टिव, है ना। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन जो है बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है। सो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट कंबाइंड विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स एंड रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्राइड्स। देखिए ये क्या कह रहे हैं कि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन जो है बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसलिए जो है ये लगभग सभी एलिमेंट के साथ रिएक्शन करके जो है ये क्या करते हैं, ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं एंड हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके जो है हाइड्राइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। ये होगी पहली बात। दूसरा, द एलिमेंट हैविंग द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, एलिमेंट हैविंग द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज फॉर्म ऑक्साइड्स हैविंग सिमिलर फॉर्मूला। मीन्स ऐसे एलिमेंट जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है, वो जो है उनके ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सिमिलर होता है। एंड दे ऑल्सो फॉर्म हाइड्राइड हैविंग द सिमिलर फॉर्मूला। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि मेंडलीव ने जो है ऑब्जर्व किया था, क्या कि अगर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज अगर सेम है तो उनका ऑक्साइड एंड हाइड्राइड का जो फॉर्मूला होगा वो सेम होगा, ठीक है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है। ये दूसरा पॉइंट जो है एक बार फिर से समझ लेते हैं कि अगर किसी एलिमेंट का केमिकल प्रॉपर्टी सेम आ रहा है तो उनका ऑक्साइड एंड हाइड्राइड का जो फॉर्मूला होगा वो भी सिमिलर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब क्योंकि हमने पूरा पढ़ लिया है तो अब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को हम समझ सकते हैं। देखिए क्या है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, द एलिमेंट आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, है ना। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग जो है एलिमेंट को अरेंज किया गया है ना। द एलिमेंट विद द सिमिलर प्रॉपर्टीज रिपीट आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल, है ना। मेंडलीव क्या कहते हैं कि अगर हम एलिमेंट को जो है इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अगर हम अरेंज कर दें तो एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती है वो रिपीट होती है आफ्टर रेगुलर इंटरवल, है ना। मतलब कुछ इंटरवल के बाद जो है एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो है रिपीट होती है, ये इन्होंने कहा था, मेंडलीव ने कहा था। अब मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट की आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। मीन्स ये और ये चीज जो है दोनों सेम ही है ना। इसको और इसको कहने का अलग अलग थोड़ा तरीका होगा। मीन्स पीरियोडिक
फंक्शन मीन्स मतलब एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो है रिपीट होती है आफ्टर फिक्स आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल। रेगुलर इंटरवल के बाद जो है एलिमेंट की प्रॉपर्टीज रिपीट होती है, इसका मतलब यही है। ठीक है, अगर हम एलिमेंट को जो है इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज करें तो एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है वो रिपीट होती है। ठीक है, अब जरा मेंडली पीरियोडिक टेबल को देख लेते हैं, वो उन्होंने कुछ इस तरीके से बनाया था। उन्होंने सबसे पहले चीज़ ये ऑब्जर्व किया था कि अगर एलिमेंट की अगर कोई एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो है सिमिलर आ रही है तो उनका ऑक्साइड एंड हाइड्राइड का जो फॉर्मूला होगा वो भी सेम होगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर जो इसलिए जो उन्होंने देखो ऑक्साइड एंड हाइड्राइड दो चीज़ें उन्होंने लगा दिया था। अब देखिए यहाँ पर अगर ये हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम एंड सीजियम इन ये जो ऑक्साइड फॉर्म करते हैं ये R2O टाइप का फॉर्म करते हैं और हाइड्राइड जो है RH टाइप का फॉर्म करते हैं। देखिए R R जो है यहाँ पर एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जनरल फॉर्म ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब यहाँ पर R की जगह जो कुछ भी हो सकता है लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम कुछ भी है ना, और इस केस में भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट है वो इस तरीके का ऑक्साइड फॉर्म करते हैं और सारे के सारे जो हाइड्राइड जो फॉर्म करते हैं वो इस तरीके का फॉर्म करते हैं RH टाइप का फॉर्म करते हैं। उसी तरीके से सेकेंड ग्रुप में देख लेते हैं तो सेकेंड ग्रुप में बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम ये जो है RO टाइप का ऑक्साइड फॉर्म करते हैं और हाइड्राइड जो है RH2 टाइप का फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने जो है इनकी पीरियोडिक टेबल था, इनमें जो है इन्होंने ग्रुप बनाया था इस तरीके से। ठीक है, ये रहा ग्रुप 7 एंड 8 ग्रुप बनाया था और इन्होंने जो है 7 पीरियड बनाया था, 1 2 3 4 5 6 सिक्स पीरियड इन्होंने बनाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, मेन फीचर्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है ना। इन्होंने जो ये टेबल बनाया है इस टेबल में क्या फीचर है, इसमें क्या खासियत है, जरा उसके बारे में। सबसे पहले इसमें जो एलिमेंट अरेंज है वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास अकॉर्डिंग अरेंज है, मीन्स इनको जो है इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग जो है अरेंज किया गया है, पहली यही फीचर हो गया। दूसरा, ग्रुपिंग टुगेदर एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, मीन्स देखिए जिन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सेम है उनको एक ग्रुप में रखा गया, मीन्स देखिए इनको ग्रुप 1 में रखा गया है, मीन्स इन सबकी जो एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो सिमिलर होगी। और अगर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज अगर सिमिलर है तो इनका क्या ऑक्साइड एंड हाइड्राइड जो है का जो फॉर्मूला होगा वो भी सिमिलर होगा। मीन्स अगर सोडियम जो है N2O टाइप का अगर ऑक्साइड बना रहा है तो पोटेशियम भी जो है R2O टाइप का ही ऑक्साइड फॉर्म करेगा। अगर सोडियम जो है NaH टाइप का हाइड्राइड फॉर्म कर रहा है तो पोटेशियम जो है KH टाइप का ही हाइड्राइड फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, उसी तरीके से आप इधर भी देख सकते हैं, इस ग्रुप के भी एलिमेंट जो होंगे सारे सिमिलर प्रॉपर्टीज के होंगे, इस ग्रुप के भी एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टीज के होंगे, इस ग्रुप के एलिमेंट भी सिमिलर प्रॉपर्टीज के होंगे एंड सो। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। इन ऑर्डर टू मेक श्योर डेट द एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज फॉल इन द सेम वर्टिकल कॉलम और ग्रुप मेंडलीव लेफ्ट सम गैप्स इन हिज पीरियोडिक टेबल है ना। उन्होंने जो है कुछ जो है गैप छोड़ दिए थे, देखो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर जो इन्होंने गैप छोड़ दिया है ना, तो एलिमेंट के लिए जो इन्होंने जो कुछ गैप छोड़ दिए थे। आगे देखते हैं, इन ऑर्डर टू मेक श्योर डेट द एलिमेंट हैविंग द सिमिलर प्रॉपर्टीज फॉल इन द सेम वर्टिकल कॉलम मेंडली प्लेस्ड ए फ्यू एलिमेंट्स इन ए रॉन्ग ऑर्डर टू दियर एटोमिक मासेज बाई कीपिंग द एलिमेंट विद हायर एटोमिक मास फर्स्ट एंड एलिमेंट विद लोअर एटोमिक मास लेटर है ना। उन्होंने क्या किया कि एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को जो सिमिलर करने के लिए जो है उन्होंने जो है कुछ एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो रॉन्ग ऑर्डर उन्होंने जो है क्या कर दिया, रॉन्ग ऑर्डर में जो है एलिमेंट को अरेंज कर दिया है ना। जैसे कि यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर क्या है कोबाल्ट, कोबाल्ट का एटॉमिक मास कितना है 58.93 और यहाँ पर निकल की एटॉमिक मास कितना है 58.71। अब कायदे से तो निकल पहले आना चाहिए था और
कोबाल्ट जो है बाद में आना चाहिए, आना चाहिए था, क्योंकि एलिमेंट को जो है इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया, मीन्स पहले छोटा फिर बड़ा, तो आना चाहिए था पहले निकल, बट पहले तो उन्होंने कोबाल्ट को अरेंज कर दिया। तो ऐसा इसलिए इन्होंने किया ताकि इनकी प्रॉपर्टी जो है सिमिलर हो सके, क्योंकि कोबाल्ट की जो प्रॉपर्टी है वो रहोडियम से जो है सिमिलर खाती है ना। और अगर इसको इसको जो है इधर कर देते तो ये प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाती ना, मीन्स एनआई की जो प्रॉपर्टी है वो आरएच से सिमिलर नहीं होती। तो इसलिए जो इन्होंने जो है प्रॉपर्टीज को सिमिलर करने के चक्कर में है ना, उनको इनको इनकी जो ऑर्डर है वो उन्होंने रॉन्ग रॉन्ग कर दी। मीन्स कायदे से तो आना चाहिए था निकल पहले, क्यों, क्योंकि इसकी एटॉमिक मास जो है वो कम है, तो इनको पहले आना चाहिए था, फिर कोबाल्ट को आना चाहिए था, पर इन्होंने जो है ऐसा नहीं किया, तो ये इन्होंने कर दिया अपने पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो ये था। आगे देखते हैं, मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, मीन्स एलिमेंट की क्लासिफिकेशन में जो है क्या खासियत थी, उन्होंने जो है इनके क्या प्लस पॉइंट्स थे उसके बारे में। देखिए, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ प्रेडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ सम एलिमेंट्स डेट हैव नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। इन्होंने जो है कुछ एलिमेंट को जो है प्रेडिक्ट किया, उन्होंने बताया कि देखिए ये एलिमेंट अभी तो एग्जिस्ट नहीं करते, पर आने वाले जो फ्यूचर होगा उसमें ये एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे। जैसे कि उन्होंने जो है गैलियम, स्कैंडियम एंड जर्मेनियम के बारे में उन्होंने जो बात कही, ये पहला पॉइंट उन्होंने कहा था। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल कुड प्रेडिक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ सेवरल एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजिशन इन द पीरियोडिक टेबल। मीन्स देखिए, इन्होंने जो है पीरियोडिक टेबल में जो है एलिमेंट की पोजिशन को देखकर जो है इन्होंने जो है एलिमेंट की कुछ एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज को प्रेडिक्ट किया। जैसे कि देखिए, आज के टाइम पर हम जो है गैलियम को जो है जानते हैं कि इसका एटॉमिक मास इतना होता है, डेंसिटी इतना होता है, मेल्टिंग पॉइंट इतना होता है, इसका क्लोराइड का फॉर्मूला जो है इतना होता है, ऑक्साइड का फॉर्मूला ये होता है, बट मेंडलीव ने जो है इनको पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था। आज के टाइम पर हम इसको गैलियम कहते हैं, पर इन्होंने जो है इसका नाम जो है इका एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम नाम रखा था, और उन्होंने बोला था कि फ्यूचर में जो होगा एक एलिमेंट क्या होगा डिस्कवर होगा जिसका एटॉमिक मास जो है 68 होगा, डेंसिटी 5.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा, मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, और इसका फॉर्मूला जो होगा ई है, क्योंकि इन्होंने नाम रखा है इका एल्यूमिनियम, तो ई इका का ई हो गया और एल्यूमिनियम का ए, तो ई ए सी एल थ्री का फॉर्मेशन हो गया, और ऑक्साइड कैसे बनेंगे ई ए टू ओ थ्री टाइप का। ठीक है, और एक्चुअली में ऐसा हुआ भी, देखिए इन्होंने तो एक सिंबल रख दिया, अब गैलियम में तो उन्होंने जी ए रख दिया, बस उससे क्या फर्क पड़ता है सिंबल से, है ना। तो यहाँ पर जी ए सी एल थ्री आप देख सकते हैं कि क्लोराइड का फॉर्मूला वही आया जो इन्होंने प्रेडिक्ट किया था, ऑक्साइड का फॉर्मूला वही आया जो इन्होंने प्रेडिक्ट किया था, एटॉमिक मास 68, और इन्होंने जो है लगभग लगभग एक्चुअली में इनके बराबर ही होता है, डेंसिटी 5.9 और यहाँ पर भी डेंसिटी जो है 5.94 होता है, लो और 30.2 लो ही होता है। तो इस तरीके से जो इन्होंने जो है कुछ एलिमेंट के प्रॉपर्टीज को जो है प्रेडिक्ट किया था, इट इज गैलियम। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है लिमिटेशंस, मेंडलीव्स के भी जो है कुछ लिमिटेशंस लिमिटेशंस है उनके बारे में जरा डिस्कस कर लेते हैं। पोजीशन ऑफ आइसोटोप कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड, मेंडलीव्स ने जो है आइसोटॉप्स के बारे में नहीं बता पाए, मीन्स उनकी पोजीशन के बारे में नहीं बता पाए। देखिए, क्लोरीन जो है क्लोरीन 35 भी एग्जिस्ट करता है नेचर में, एंड क्लोरीन 37 भी एग्जिस्ट करता है। अब उनके हिसाब से जो इन्होंने क्या किया था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास अकॉर्डिंग अरेंज किया था, तो पीरियोडिक टेबल में तो 35 एटॉमिक मास वाला जो है क्लोरीन भी होना चाहिए था, एंड 37 एटॉमिक मास वाला क्लोरीन भी होना चाहिए था इनके पीरियोडिक टेबल में, पर ऐसा तो है ही नहीं, ऐसा है नहीं, तो इनका पहला लिमिटेशन हो गया कि आइसोटोप की पोजीशन को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, है ना। और दूसरा क्या है, रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट कुड नॉट बी एक्सप्लेन, है ना, वही कोबाल्ट वाला और निकल वाला उन्होंने जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाए। देखिए यहाँ पर
फिर से देखें इस टेबल को, देखिए कोबाल्ट 58.93 है इसका एटॉमिक मास, और निकल का जो है 58.71। अब मेंडलीव ने क्या बोला था, इन्होंने क्या बोले थे कि इन एलिमेंट को जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है तो उनके हिसाब से तो निकल पहले आना चाहिए था, फिर कोबाल्ट बाद में आना चाहिए था, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो ये इनकी लिमिटेशन हो गई, है ना। और क्या है, ए करेक्ट पोजिशन कुड नॉट बी असाइंड टू हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। और उन्होंने जो है हाइड्रोजन एटम के बारे में नहीं बताया कि हाइड्रोजन की पोजिशन क्या है, ये उन्होंने नहीं बताया, ठीक है। हालांकि उन्होंने जो है ग्रुप वन में डाल दिया, पर ये ग्रुप वन एलिमेंट एलिमेंट से, देखिए जो हाइड्रोजन एटम है वो हैलोजन फैमिली से भी सिमिलैरिटी खाता है और ग्रुप वन एलिमेंट से भी सिमिलैरिटी खाता है, तो हम इसकी इसकी पोजीशन जो है हम ग्रुप वन में नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि देखिए ये एच प्लस लूज कर सकता है एंड ग्रुप वन के एलिमेंट भी जो है एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है आयनिक बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है, ये भी ठीक है ना। इसकी वैलेंसी वन होता है, ये भी ठीक है। और ये जो है प्लस वन एच प्लस जो है आयन फॉर्म कर सकता है, ये भी ठीक है। बट ये क्लोरीन भी तो हेलोजन फैमिली के जैसा भी तो बिहेवियर शो करता है, कि जिस तरीके से हेलोजन फैमिली जो है डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि Cl2, Br2, है ना, उसी तरीके से हाइड्रोजन भी जो है H2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये भी डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये अगर ये जो है एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं और एनायन बना सकते हैं, हाइड्रोजन भी एनायन बना सकता है ना। तो इस तरीके से जो है हम में जो है कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि हाइड्रोजन को ग्रुप वन में डालें कि हाइड्रोजन को जो है ग्रुप हेलोजन फैमिली वाले ग्रुप में डालें, तो ये कंफ्यूजन हो गया। और ये चीज को जो है मेंडलीव जो है नहीं बता पाए कि इसकी पोजीशन कहाँ होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा भी है, इट फॉर्म्स डायटोमिक मॉलिक्यूल, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। दूसरा, हाइड्रोजन कंबाइन विथ मेटल टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड, ये आयनिक कंपाउंड भी फॉर्म करता है, जैसे कि NaH टाइप का आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन करता है ना, हाइड्राइड। और क्या, हाइड्रोजन कंबाइन विथ नॉन मेटल टू फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड, ये कोवेलेंट कंपाउंड का ही फॉर्मेशन करता है, जैसे कि CH4, ठीक है, CH4, जैसे कि मीथेन। मीथेन क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड है उसमें, है ना। तो वहां पर क्या है कि उसमें जो बॉन्डिंग है वो किस तरीके का, कोवेलेंट बॉन्डिंग है ना। तो यही चीज नहीं समझ में आई, समझ में नहीं आ रहा था कि हाइड्रोजन की पोजीशन ग्रुप वन में डालें कि हेलोजन वाले फैमिली में डालें, इस चीज को जो है मेंडलीव नहीं एक्सप्लेन कर पाए, ठीक है। तो ये थी इनके लिमिटेशंस, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिमिटेशंस हो गई, अब नया साइंटिस्ट आए जो कि मोशले, कब आए थे, 1913 में आए थे। ये क्या कहते हैं, द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस रेगुलरली बाय वन फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट, बट एटॉमिक मास डज नॉट वेरी रेगुलरली फ्रॉम वन एलिमेंट टू नेक्स्ट, एंड ही कॉन्क्लूड दैट द एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज देन एटॉमिक मास। इस लाइन का क्या मतलब है, जरा एक नज़र पीरियोडिक टेबल पर चलते हैं, वहां समझना। देखिए ये पीरियोडिक टेबल था, यहाँ पर आप देखिए कि जो एटॉमिक नंबर है वो रेगुलरली वन से जो है चेंज हो रहा है। देखिए वन आ रहा है, फिर उसके बाद टू आ रहा है, फिर थ्री आ रहा है, फिर फोर आ रहा है, फिर फाइव आ रहा है, फिर सिक्स आ रहा है, बट एटॉमिक मास देखिए वन है, फिर सीधे फोर आ जा रहा है, फिर सिक्स है, फिर नाइन आ रहा है, फिर टेन है, फिर ट्वेल्व है, फिर फोर्टीन है, फिर 15.99 मीन 16 आ रहा है। तो इस तरीके से जो इरेगुलरिटी है एटॉमिक मास में, इरेगुलरिटी है ना, पर एटॉमिक नंबर में जो है रेगुलरिटी है, ये एक जो है वन यूनिट से जो है इंक्रीज कर रहा है एटॉमिक नंबर, तो ये बहुत ही ज्यादा क्या है, रेगुलर है। और इसी चीज को जो है मोसले ने जो है ऑब्जर्व किया, और उन्होंने क्या कहा कि एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर जो है वो ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है देन एटॉमिक मास, है ना। एटॉमिक नंबर जो है ज्यादा फंडामेंटल है देन एटॉमिक मास, ये मोसले ने जो है कही थी।
और क्या है दूसरा पॉइंट है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मतलब इस लाइन का मतलब ये है कि एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है वो फिक्स इंटरवल के बाद जो है रिपीट होती है। इफ इफ एलिमेंट आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, मीन्स अगर हम एलिमेंट को जो है इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अगर हम अरेंज करें तो एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट होती है ना। और मेंडलीव क्या कह रहे थे, मेंडलीव कह रहे थे कि अगर एलिमेंट को जो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अगर हम अरेंज करें तो एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट होती है। पर ये कह रहे हैं एलिमेंट को जो है एटॉमिक मास अकॉर्डिंग नहीं अरेंज करना, हमें एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करना। और इन्होंने ऐसा क्यों कहा अभी मैंने बता दिया। और इस इनके ये कहने से जो है एलिमेंट मेंडलीव के जितने भी लिमिटेशंस थे वो सारे के सारे अपने आप ही खत्म हो गए। मीन्स जैसे ही हमने जो है एलिमेंट को एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग ना अरेंज करके एटॉमिक नंबर में जैसे अरेंज कर देते हैं तो उनका जो है लिमिटेशन जो है आधा ज़्यादा ऐसे ही खत्म हो जाता है। देखिए सिंस ऑल द आइसोटॉप ऑफ एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर दे कैन पुट एट वन प्लेस इन द ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। देखिए उनका पंगा क्या आ रहा था, उनका पंगा ये आ रहा था कि उन्होंने जो पहले तो एटॉमिक मास अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया था तो इनको जो है दो पोजीशन देनी चाहिए था, बट अब हम क्या कर रहे हैं एलिमेंट को जो है एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज कर रहे हैं। अगर हम एलिमेंट को जो है एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अगर हम अरेंज करेंगे तो इनका और इनका एटॉमिक नंबर तो सेम है तो उनको एक ही पोजीशन मिल जाएगी। तो देख रहे हो यहाँ पर ये सॉल्व हो गया, जैसे हमने एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग जो है अरेंज किया तो पहला तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। दूसरा देखते हैं एक्सप्लेनेशन फॉर द पोजिशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकल। उनका दूसरा प्रॉब्लम ये था ना कि कोबाल्ट की जो पोजीशन थी, देखिए एक बार देख लेते हैं तो है ना, कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास था 58.9 था एंड निकल का जो था 58.7, और उन्होंने जो है कोबाल्ट को पहले रख दिया था फिर निकल को रखा था। देखिए आप टेबल देखिए, पीरियोडिक टेबल, मेंडली पीरियोडिक टेबल, देखिए कोबाल्ट पहले आ गया फिर निकल आया, कायदे से आना चाहिए था निकल को फिर कोबाल्ट को, पर उन्होंने जो है इस तरीके से कर दिया। तो इनकी लिमिटेशन सी, पर जैसे ही हम एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं एलिमेंट को तो देखिए क्या होता है, कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है 27, एंड निकल का जो एटॉमिक नंबर होता है कोबाल्ट विद द लोअर एटॉमिक नंबर 27 शुड बी फर्स्ट देन द निकल विद द हायर एटॉमिक। देखिए कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू निकल, तो जिसका एटॉमिक नंबर कम आएगा वो पहले आ जाएगा और जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा वो बाद में आएगा। और इस तरीके से क्योंकि कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर जो है कम होता है निकल से इसलिए वो पहले आ गया। तो देखिए दूसरा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया ना, देखिए ये कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू निकल, मीन्स कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर वो कम होता है एज कंपेयर टू निकल है ना। और क्योंकि एलिमेंट को जो है इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया तो जो जिनका कम एटॉमिक मास नंबर होगा उनको पहले रखा जाएगा और इसका एटॉमिक नंबर जो है वो कम है इसलिए जो है ये पहले आ जाएगा और ये बाद में आ जाएगा है ना। तो इस तरीके से जो है इनकी जो है दूसरा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया है ना। तो इस तरीके से जो है मोसले ने जैसे ही कहा कि एलिमेंट को जो है इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अगर हम अरेंज करें तो ये ज़्यादा बेटर होगा देन एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज करना, ठीक है। इस तरीके से जो है मेंडलीव का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया। आगे आगे क्या, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, अभी तक जो है हमने डोबेरनी ट्रेट्स देख लिया, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव देख लिया, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल देख लिया। अब इन सबको मिला जुला कर जो है एक नया टेबल बनाया जाता है, डेट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना। इसको देख लेते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक नंबर। इसका इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का मतलब ये है कि अगर हम एलिमेंट को जो है इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करें तो
एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट करती है, ठीक है, जो कि मोसले भी यही कह रहे थे, है ना। तो इसका मतलब ये है। और क्या है, व्हेन एलिमेंट आर, देखिए इसका, इस लाइन का यहाँ पर मतलब वही है, व्हेन द एलिमेंट आर अरेंज अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, देन द एलिमेंट हैविंग द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिपीट आफ्टर द फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। मीन्स ये जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन पर बेस है। मीन्स अगर एलिमेंट को जो है इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अगर हम अरेंज करते हैं, तो एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट जो रिपीट होते हैं जिनका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं, है ना। देन द एलिमेंट हैविंग द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिपीट आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल, एक रेगुलर इंटरवल के बाद जो होगा वो एलिमेंट रिपीट करते हैं जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है सेम होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए आप लिथियम एंड सोडियम, आप देख सकते हो कि इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वन है। बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन कितना है, टू, यहाँ पर भी देखिए टू है ना। देख रहे हो ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, है ना। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन देखिए रिपीट हो रहा है ना, सेम आ रहा है ना, तो यही जो है इस लाइन का मतलब है, ठीक है। अब देखिए पीरियोडिक टेबल जो है हमारा, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, जिसमें जो है 18 ग्रुप बनाए गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। ये जो फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप है उसको हम लाइट मेटल भी कहते हैं या एस ब्लॉक के एलिमेंट भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो 13 से 18 तक के जो एलिमेंट है इनको हम नॉन मेटल या पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, और ये जो 3 से 12 तक के एलिमेंट है ये हैवी मेटल है, और इनको ट्रांजिशन मेटल भी कहते हैं या इनको डी ब्लॉक एलिमेंट भी कहते हैं। और इसके नीचे जो है दो सीरीज होती है, लेंथनोइड सीरीज एंड एक्टिनोइड सीरीज, ठीक है, ये है। और इसमें एक और है क्या, इसमें जो है एक मेटलॉइड्स भी होते हैं। मेटलॉइड्स ऐसे एलिमेंट जो मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी रखते हो, है ना। मतलब वो मेटल की तरह भी बिहेव करते हो एंड नॉन मेटल की तरह भी बिहेव करते हो, उसे हम मेटलॉइड कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है ये जो ग्रीन कलर का पोर्शन से कलर किया गया है इन एलिमेंट को, वो मेटलॉइड्स है, ठीक है। और इसमें जो है 7 पीरियड होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, है ना। तो 7 पीरियड्स होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और कुछ देखते हैं इसके बारे में, इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। चलिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन पीरियड इज फिक्स्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैन अकोमोडेट इन द वेरियस शेल ऑफ द एटम। देखिए इस पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखिए और जरा एक चीज ऑब्जर्व कीजिए कि पहले पीरियड में जो है वो दो एलिमेंट ही क्यों है, मतलब दो से ज्यादा भी तो हो सकते थे, 4 रख देता, 6 रख देते, 8 रख देते, 12 रख देते, 18 रख देते, पर पहले पीरियड में सिर्फ दो एलिमेंट क्यों है। तो उसका आंसर ये है कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन करते हैं तो सबसे पहले आता है के सेल, और के सेल में जो है सिर्फ मैक्सिमम जो है दो इलेक्ट्रॉन ही, ये इस लाइन का यही मतलब है कि किसी सेल में जो है मैक्सिमम कितने नंबर आ सकते हैं उतने ही जो है पीरियड्स में जो है एलिमेंट होते हैं, क्योंकि के सेल में जो है सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए जो है फर्स्ट पीरियड में जो सिर्फ दो एलिमेंट्स, ठीक है। उसी तरीके से एल सेल मीन सेकेंड सेल, एंड सेकेंड सेल में जो है 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इस वजह से जो है सेकेंड पीरियड में जो एलिमेंट्स वो कितने हैं, 8 है। देखिए सेकेंड पीरियड ये है, इसमें देखिए 8 एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना। तो 8 एलिमेंट है, क्यों, क्योंकि के सेल में जो है सेकेंड सेल में जो है 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जो है आ सकते हैं, इस वजह से जो है पीरियड में जो है 8 एलिमेंट है। इसी तरीके से जो है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन्थ पीरियड में जो है 8, 18, 18, 32
एंड 32 एलिमेंट आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है पीरियड में जो एलिमेंट्स है वो ऐसे अरेंज नहीं है, मैक्सिमम किसी सेल में कितने आ सकते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है एलिमेंट को जो है अरेंज किया गया पीरियड्स में, ठीक है। तो ये हो गया। आगे ग्रुप, ऑल द एलिमेंट इन अ ग्रुप हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन, ठीक है, एंड सो सिमिलर प्रॉपर्टीज। देखिए क्या कह रहे हैं, इस पीरियोडिक टेबल को देखिए। ये कह रहे हैं कि अगर किसी ग्रुप की बात किया जाए, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, है ना। ग्रुप का मतलब ये वर्टिकल कॉलम जो है, ये वर्टिकल कॉलम है, इसको इसको हम ग्रुप कहते हैं, ठीक है। ये जो ग्रुप के जो एलिमेंट है, इन सारे ग्रुप के जो एलिमेंट है, ये इनकी प्रॉपर्टी जो है सेम होती है और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन भी वन होती है, इसलिए तो इन सबकी क्या होती है, वैलेंसी वन होती है, वन 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 वन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वन होते हैं ना। तो ये वही कह रहा है कि ग्रुप में जो एलिमेंट, ग्रुप में जितने भी जो एलिमेंट होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन सेम होती है, सिमिलर होती है, एंड इनकी प्रॉपर्टीज जो क्या होती है, सिमिलर होती है, इनकी प्रॉपर्टीज भी जो है सिमिलर होती है। मीन्स ये अगर ग्रुप वन की बात करें तो ये सारे के सारे क्या है, मेटल्स है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये क्या है, मेटल्स है। अगर हम ग्रुप 18 की बात करें तो ये सारे के सारे क्या, नोबल गैस है ना, क्योंकि सेम ग्रुप में आ रहे हैं तो इनकी प्रॉपर्टी सेम होगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स को क्या होते हैं, मेटलॉइड्स आर द एलिमेंट दैट शो प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मीन्स ऐसे एलिमेंट जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों के प्रॉपर्टीज शो करते हैं वो मेटलॉइड्स कहलाते हैं। देखिए इस पीरियोडिक टेबल में ये जो ग्रीन कलर से दिखाया गया है ये सारे मेटलॉइड्स है ना। बोरोन, सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, इसको शायद एंटीमनी कहते हैं, टिन एंड पोलोनियम, ये क्या हो गए, मेटलॉइड्स हो गए। चलिए अब जरा देखते हैं पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। सबसे पहले अगर हम देखिए ये जो है क्या बोलते हैं, मेंडलीव भी नहीं बता पाए कि हाइड्रोजन की पोजीशन कहाँ है। उन्होंने जो है हाइड्रोजन की पोजीशन को जो है फर्स्ट ग्रुप में रख दिए थे, पर हम जानते हैं कि हाइड्रोजन को जो है फर्स्ट ग्रुप में नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि ये जो है हेलोजन फैमिली से भी सिमिलैरिटी खाती है। तो इनको जो है इसलिए जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो है हाइड्रोजन की जो अभी तक जो पोजीशन नहीं बताई जा सकी है, तो इनको जो एक सेपरेट पोजीशन दिया गया है। मतलब ये देखिए फर्स्ट ग्रुप में रखा तो, फर्स्ट ग्रुप के साथ रखा तो गया, बट इनको जो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट नहीं माना जाता हाइड्रोजन को। मीन्स हाइड्रोजन को जो है एक सेपरेट पोजीशन दिया गया पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिखा भी है, हाइड्रोजन इज नॉट प्लेस इन एनी ग्रुप, किसी भी ग्रुप में नहीं रखा गया, ठीक है। हाइड्रोजन एलिमेंट हैज बीन प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ ग्रुप वन, ग्रुप वन के टॉप पर रखा गया है, अबव द अल्कली मेटल, बिकॉज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इज सिमिलर टू दोज ऑफ द अल्कली मेटल, एंड बोथ बोथ हाइड्रोजन एज वेल अल्कली मेटल है वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखिए इनको जो है हाइड्रोजन को जो है इस फर्स्ट ग्रुप के ऊपर इसलिए रखा गया, इसको अल्कली मेटल कहते हैं और इसको जो है अल्कली अर्थ मेटल कहते हैं, ठीक है। इनको जो अल्कली मेटल के ऊपर इसलिए रखा गया है क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन, मीन्स अगर हम इन सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन निकालें और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन निकालें तो सेम आता है, एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है हाइड्रोजन का एंड ग्रुप वन एलिमेंट का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो सेम आता है, और हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन पर बेस है ना। और क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन जो है इसका और इसका सेम होता है, इस वजह से जो इनको यहाँ पर रखा गया। बट एक पॉइंट नोट करने वाली बात है कि ये हाइड्रोजन जो है ग्रुप वन का एलिमेंट नहीं है, इसको भले ही ग्रुप वन के ऊपर रखा गया हो बट ये ग्रुप वन का एलिमेंट नहीं है, इसको सेपरेट पोजीशन दिया गया है। कोई भी पोजीशन जो है किसी ग्रुप में जो है हाइड्रोजन को नहीं रखा गया, ठीक है। तो ये था हाइड्रोजन की पोजीशन के बारे में। आगे आगे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियड्स एंड ग्रुप, ग्रुप्स एंड पीरियड्स की प्रॉपर्टीज। मीन्स पीरियड्स में जो है एलिमेंट की साइज, एटॉमिक साइज है ना, मेटेलिक कैरेक्टर, एंड और क्या क्या बात करते हैं,
एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी किस तरीके से चेंज होती है उसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स के बारे में देख लेते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जब हम पीरियड में जो है लेफ्ट से राइट जाते हैं तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है इंक्रीज होता है 1 to 8। मीन्स देखिए, जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होती है, इंक्रीज होता है। देखिए, यहाँ पर सोडियम एटम है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, फिर दो, फिर तीन, फिर चार हो गया, फिर पांच हो गया, फिर छह हो गया, फिर सात हो गया, फिर आठ हो गया। तो आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पर नंबर किस तरीके से बढ़ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यूअसली जो है इंक्रीज कर रहा है ना। तो इसलिए जो है इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इंक्रीज होता है जब हम लेफ्ट टू राइट की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में इन द पीरियड। अब वैलेंसी, वैलेंसी क्या होता है, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4 एंड डिक्रीजेस टू 0। मीन्स पहले जो है एलिमेंट का जो वैलेंसी है वो इंक्रीज करता है फिर डिक्रीज करता है। देखिए वही वाला एग्जाम्पल सोडियम वाला, इसमें वैलेंसी क्या है 1, फिर क्या है 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर देखिए यहाँ से डिक्रीज होना चालू हो गया, 3 2 1 एंड 0। सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि वैलेंसी का क्या मतलब होता है। देखिए बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी सेम होता है, बट एक ध्यान से बात सुन लीजिए मेरी कि वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों अलग अलग होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी का मतलब होता है किसी इलेक्ट्रॉन किसी एटम को स्टेबल होने के लिए, मीन्स उसको जो है इनर्ट गैस, नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस करने पड़ेंगे उससे हम कहते हैं वैलेंसी, ठीक है। यहाँ लिखा भी है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड बाय एन एटम टू अचीव नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड वैलेंसी, ठीक है। तो वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस होता है। अब सोडियम का वैलेंसी 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, 4 के बाद 5 आ, 4 के बाद जो है 3 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 0 हो गया। तो पीरियड्स में क्या होता है, जब हम लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं तो सबसे पहले जो है वैलेंसी जो है इंक्रीज करती है फिर डिक्रीज होनी चालू कर देती है और 0 के बराबर हो जाती है, ठीक है। अब देखिए इसका 0 इसलिए है क्योंकि ये आर्गन है, एक नोबल गैस है, इनर्ट गैस है, और इनर्ट गैस किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती, और ये जो है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो स्टेबल होता है इस वजह से, नहीं तो ये लॉस करते हैं नहीं तो गेन करते हैं, तो इसलिए जो है इनकी वैलेंसी क्या हो गई, 0 हो गई। अब आगे देखते हैं साइज ऑफ एटम, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड द साइज ऑफ एन एटम डिक्रीजेज। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटम का जो साइज है वो क्या होता है, डिक्रीज करता है। अब इसका रीजन देख लेते हैं कि ये डिक्रीज क्यों करता है, ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल। मीन्स जब हम पीरियड्स में जो है लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो जेड इफेक्टिव मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, देखिए क्या होता है कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ प्रोटोन इन द न्यूक्लियस बढ़ेगा, वो अगर बढ़ेगा तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को जो होगा बहुत तेजी से अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा जिसके कारण जो एटम का साइज जो है छोटा होना चालू हो जाता है। तो इस वजह से जो है लेफ्ट टू राइट जाने पर जो है एटम का जो साइज होता है वो डिक्रीज करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, मेटेलिक कैरेक्टर, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट डिक्रीजेज। मेटल एलिमेंट का जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज करता है, ऐसा क्यों करता है, होता है क्योंकि इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर जो होता है वो डिक्रीज होता है एंड इलेक्ट्रो नेगेटिव नेचर जो है वो इंक्रीज करता है। इसलिए देखिए मीन्स कहने का ये है मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन को जो है गेन करने की टेंडेंसी बढ़ती है एज कंपेयर टू लॉस करने की, है ना। जैसे कि ये देखिए सोडियम सबसे ज़्यादा जो है रिएक्टिव है और ये एक मेटल है,
बट क्लोरीन जो है एक नॉन मेटल है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, मीन्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर जो है इसका ज्यादा है, बट क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता, ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, तो इसकी इलेक्ट्रो नेगेटिव नेचर जो है बढ़ रही है ना। इस वजह से जो है जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर डिक्रीज होती है, इस वजह से जो है मेटेलिक कैरेक्टर भी डिक्रीज होती है ना। उसी तरीके से नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होती है, इंक्रीज होती है, मीन्स इलेक्ट्रो नेगेटिव नेचर जो है इंक्रीज होता है और यहाँ से दिख भी रहा है ना। चलिए और क्या है, केमिकल रिएक्टिविटी ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट फर्स्ट डिक्रीजेज एंड देन इंक्रीजेज, है ना। पहले डिक्रीज होता है फिर इंक्रीज होता है। हमें पता नहीं कि सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, इवन अगर हम इसको हवा में भी रख देते हैं तो ये क्या कर लेता है, आग पकड़ लेता है, इसलिए तो हम इसको जो है कैरोसिन ऑयल में रखते हैं। तो सबसे पहले बढ़ता है, सॉरी डिक्रीज होता है एंड देन इंक्रीज होना चालू हो जाता है। ठीक है, ये हो गया केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में। नेचर ऑफ ऑक्साइड ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड द बेसिक नेचर ऑफ द ऑक्साइड डिक्रीजेज एंड एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज। देखिए इसका आंसर जो है कि क्यों जो है लेफ्ट से राइट तक जाने पर जो है बेसिक नेचर जो है डिक्रीज करता है और एसिडिक नेचर इंक्रीज करता है, तो इसका आंसर जो है हम यहाँ से पता कर सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर जो है मेटेलिक कैरेक्टर जो है डिक्रीज हो रहा है, और हमें पता है कि मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। अब क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर ही डिक्रीज हो रहा है तो बेसिक नेचर भी भाई उसका डिक्रीज ही होगा ना, तो इसलिए जो है बेसिक नेचर जो है डिक्रीज होता है एंड एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, ग्रुप के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप, ग्रुप की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। जिस तरीके से हमने पीरियड्स में देखा वही सारी चीजें जो है हम ग्रुप्स में भी देखेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑल ऑल द एलिमेंट इन द ग्रुप हैव द सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मीन्स अगर हम किसी ग्रुप की बात करें तो उनमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो सेम होता है। अब देखिए ये ग्रुप वन के एलिमेंट है, इनके देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखेंगे तो 2 1 2 8 1 2 8 8 1, है ना। अब देख सकते हैं कि आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वहीं तो मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो सब में देखिए 1 1 1 1 1, तो ग्रुप में क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है सभी एलिमेंट के वैलेंसी, क्योंकि भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो इनकी वैलेंसी भी सेम होगी, है ना। अब क्या है, साइज ऑफ एन एटम, एटम की साइज ऑन मूविंग डाउन इन अ ग्रुप इन अ पीरियोडिक टेबल द साइज ऑफ एटम इंक्रीज। देखिए जब हम अप टू डाउन जाते हैं किसी ग्रुप में तो क्या होता है, साइज जो होता है एटम का वो इंक्रीज करता है। अब इसका रीजन क्या है कि ये क्यों इंक्रीज करता है, ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स जो है इंक्रीज करता है इस वजह से। ठीक है, अरे यहाँ पर देखिए ना, ये देखिए ग्रुप वन के एलिमेंट है, इसमें 2 सेल है, इसमें 3 सेल आ गया, अब इसमें 4 सेल आ गया, तो देख रहे हो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं, और अगर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो एटम के साइज ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्या है, केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी कैसे चेंज होती है किसी ग्रुप में। द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ अ मेटल इंक्रीजेज ऑन गोइंग डाउन इन अ ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं किसी ग्रुप में तो क्या होता है, रिएक्टिविटी जो होती है मेटल की वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब इसका रीजन क्या है, बिकॉज द टेंडेंसी ऑफ ए एलिमेंट टू लूज एन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, है ना। अब मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन एलिमेंट जो है आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, तो आसानी से अगर वो लॉस कर लेगा तो आसानी से जो है रिएक्शन भी कर लेगा, है ना। इसलिए जो है टेंडेंसी ऑफ ए लूजिंग ए इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज डेट्स बाय द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ए मेटल इंक्रीजेज ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप। ठीक है, तो ये हो गया। आगे क्या, नेचर ऑफ ऑक्साइड ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप देयर इज ए नो चेंज इन द ऑक्साइड नेचर ऑफ द ऑक्साइड, मतलब ऑक्साइड के नेचर में जो है किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं होता। ठीक है, अब ये आ गए हम लास्ट स्लाइड पर, और यहाँ पर जो चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो पढ़ लेते हैं लास्ट स्लाइड। मेरिट्स ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मीन्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो है क्या इनकी मेरिट्स है उसके बारे में। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर, है ना। इसमें जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट जो अरेंज है वो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज है, वही बता रहा है।
द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड वाई एलिमेंट इन अ ग्रुप सो सिमिलर प्रॉपर्टीज बट एलिमेंट इन अ डिफरेंट ग्रुप सो डिफरेंट प्रॉपर्टीज। देखिए हमने अभी अभी देखा कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप में अगर हम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज की स्टडी करें तो सभी की जो प्रॉपर्टीज होती है वो सिमिलर होती है। पर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सभी की सेम होती है, इस वजह से जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो सिमिलर होती है। तीसरा क्या है? द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एक्सप्लेन्स द रीजन ऑफ पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, मीन्स एलिमेंट की प्रॉपर्टीज में जो है पीरियोडिसिटी क्यों है, ये एक्सप्लेन करता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मीन्स हमने देखा ना कि एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद जो रिपीट करती है ना, पर वो रिपीट क्यों कर रही है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है एलिमेंट का आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद जो है आफ्टर रेगुलर इंटरवल के बाद जो है वो रिपीट करती है, इस वजह से जो है एलिमेंट की जो है प्रॉपर्टीज जो है वो रिपीट करती है ना। तो ये था पूरा का पूरा चैप्टर, आई होप कि आपको जो है समझ में आया होगा, डोबरनेट रेट समझ में आया होगा, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टिव समझ में आया होगा, और मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल समझ में आया होगा, उनका मेरिट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स लिमिटेशंस जो भी है आपको समझ में आया होगा, एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पूरा का पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और आपको जो है इस पीडीएफ को जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप डाउनलोड करके जो इसको पढ़ सकते हैं, इसका नोट्स बना लेना। ठीक है, तो मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।